मुंबई के दिए 12 रन का टारगेट को पंजाब ने 4 गेंदों में चेज किया। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर हुए। जी हां, आईपीएल के 13वें सीजन के 36वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने मुंबई इंडियन को डबल सुपर ओवर में हराया। इससे पहले दोनों टीम के बीच खेला गया सुपर ओवर भी टाई रहा था। दूसरा सुपर ओवर में मुंबई ने 12 रन का टारगेट दिया था, जिसे पंजाब ने 4 गेंदों में हासिल कर लिया। पंजाब के लिए क्रिस जॉर्डन और मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट ने सुपर ओवर डाला। आईपीएल में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। पहले सुपर ओवर में पंजाब ने 5 रन बनाए थे, इसके जवाब में मुंबई भी 5 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह और पंजाब के लिए मोहम्मद शमी ने सुपर ओवर डाला। आईपीएल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सुपर ओवर भी टाई रहा है। इससे पहले 2014 में कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया मैच में सुपर ओवर दोनों टाई रहे थे। जी हां, अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 177 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में पंजाब ने 6 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। टीम के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 77 रन की पारी खेली। किंग्स इलेवन को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन मुंबई के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने नहीं बनाने दिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की सदी हुई शुरुआत हुई थी। टीम ने 33 रन पर मयंक अग्रवाल 11 के रूप में पहला विकेट गवाया था। इसके बाद क्रिस गेल ने 21 गेंद पर 24 रन बनाते हुए ओपनर राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन की पार्टनरशिप की। उनके अलावा निकुलस पूरन भी 12 गेंद में 24 रन की पारी खेली। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई के ओपनर क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज्यादा 53 रन की पारी खेली। मुंबई के लिए यह उनकी लगातार तीसरी 50 है। ऐसा करने वाले वे सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले सचिन ने 2010 में मुंबई के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी। इससे पहले डीकॉक ने कोलकाता के खिलाफ 78 और दिल्ली के खिलाफ 53 रन की पारी खेली थी। मुंबई ने 6 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। टीम की शुरुआती अच्छी नहीं रही थी। मुंबई ने पावर प्ले में ही 38 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। ओपनर डीकॉक एक छोर पारी संभाले रखे और उन्होंने चौथे विकेट के लिए कुणाल पांड्या 34 के साथ 58 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद आखिर में 12-12 बॉलों पर किरण पोलार्ड ने 34 और नाथल कुटल 9 ने 24 रन की सबसे तेज पारी खेली। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 21 बॉल पर 57 रन की पार्टनरशिप हुई। जी हां, पंजाब के लिए मोहम्मद शमी अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। शमी ने हार्दिक पांड्या 8 और सूर्य कुमार यादव को 0 पर आउट किया। वहीं अर्शदीप ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा 9 और ईशान किशन 7 को पवेलियन भेजा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।